Warm hello to all the runners of Mathetic Math This is Vinay Pande here again. Uh, students, today's video uh, We are now going to start the uh, transformation, elementary transformation, how to find the inverse of any square matrix using elementary row transformation and elementary column transformation. Uh, in the last video, we have discussed how. we use elementary transformation. What is elementary transformation? What is uh, inverse of any square matrix? What is the meaning of inverse of any square matrix? Uh, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के यूजिंग द लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो का यूज करते हुए आज जो वीडियो हमारा पूरा है जो बेस्ड है जिस वीडियो पे वो क्योंकि हम लास्ट वीडियो को लेकर के सारी प्रॉपर्टीज को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप लास्ट वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो को स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा और एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड दैट द न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 99 परसेंट चांसेस रहते हैं कि एक इन्वर्स वाला क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आना ही आना है तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और क्योंकि मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने की एक फॉर्मूले uh, से भी एक मेथड है उससे भी आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक बाय नेम अगर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम बात करें इफ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसज इफ यू मल्टीप्लाई टू स्क्वायर मैट्रिस एंड द रिजल्टेंट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ यूनिट मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इनवर्सेज ऑफ ईच अदर ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम दो मेट्रिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करने पे अगर हमको आइडेंटिटी मिल जाए आइडेंटिटी क्या होती है जिसके ऐसे डायगनल मैट्रिक्स जिसके डायगनल के सारे प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स क्या हो जाए सारे के सारे वन हो जाए अदर देन प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स सारे एलिमेंट जीरो थे तो अगर दो मेट्रिस को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए तो ए बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स होगा एक दूसरे के इन्वर्स ये होंगे तो ये इन्वर्स की डेफिनेशन थी जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी तो आज देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हम कैसे यूज करके इन्वर्स निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट वीडियो के सारे पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ होंगे और जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल बड़ी ईजीली सॉल्व हो जाएगा अगर एग्जाम्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ आता है तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करना है अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिख के आता है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करना है अगर सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन लिख के आ रहा है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख के आ रहा है देन उस केस में आप रो या कॉलम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ये जो मैट्रिक्स हमको दी है इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ए तो वी हैव अगर ए इज इक्वल टू आई ए में लिख रहा हूं तो क्या ये स्टेप सही लिखा हुआ है ध्यान से देखिए आप किसी मैट्रिक्स ए को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थ्री थ्री बाई थ्री की वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, जीरो 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 वन अगर थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स को किसी भी थ्री ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर से वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी क्योंकि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी तो हम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई थ्री इंटू ए ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे हम टू इज इक्वल टू वन इंटू टू लिख सकते हैं ये यहाँ पर आइडेंटिटी का काम कर रहा है वन तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी है तो आपको क्या करना है इस ए में हम ये वाले जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू रख लेते हैं टू वन थ्री थ्री वन टू वन टू थ्री दिस इज द गिवन मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटीज वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन इस ए को ऐसे रहने देंगे अब हमारा टारगेट क्या है कि हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करना है और ऑपरेशन का यूज करके हमको क्या करना है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है इस मैट्रिक्स को आई बनाना है अगर मैं इसको सॉल्व करते करते ऑपरेशन लगाते हुए इस लेफ्ट वाले को आई में कन्वर्ट कर दूँ तो जब हम ऑपरेशन लगाएंगे लेफ्ट साइड में तो हमको राइट right साइड में भी ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे इसमें और इसमें जब हम राइट right साइड में ऑपरेशन लगाएंगे तो अब ये आइडेंटिटी ना होकर के कोई दूसरी मैट्रिक्स बन चुकी होगी तो सपोज ये मैट्रिक्स बन गई बाद में बी बन गई और इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे इसको तो एज इट इज ऐसे लिख रहे हैं तो हमने क्या किया इसको ऑपरेशन लगा करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है लेफ्ट वाले को और जैसे जैसे जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में लगाएंगे करेस्पोंडिंगली राइट साइड में भी वही ऑपरेशन आपको यूज करने हैं तो जब आप ऑपरेशन लगा करके इस आइडेंटिटी को इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना चुके होंगे उस स्टेप में ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये कौन सी कंडीशन है ये वो कंडीशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई इनवर्स की तो इसका मतलब इस केस में जो ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स नई वाली मैट्रिक्स आई है ये बी ए का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा तो यही हमको यहाँ पे करना है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिटी में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगी उसी केस उसी स्टेप में जो राइट right साइड में ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स आएगी दैट इज द इनवर्स ऑफ ये तो हो गई स्टेप्स uh, की बात अब कैसे इसको आइडेंटिटी बनाना है जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उनको फॉलो करना है सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी है कि ये जो सबसे पहला एलिमेंट है ये वन में कन्वर्ट हो जाए अब इसको वन में कैसे कन्वर्ट करना है जो पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज बताइए उनमें से कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं इसको वन बनाना है सबसे पहले और देन क्या करना है आपको जैसे ये वन बन जाएगा तो इसको पहले हम वन बना लेते हैं फिर उसके आगे बता रहा हूं मैं इसको वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं आर वन और आर थ्री को इंटरचेंज कर लेते हैं फिर ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको लास्ट वीडियो में आर वन और आर थ्री को इंटरचेंज करेंगे तो ये वन टू थ्री बन जाएगा और ये टू वन थ्री बन जाएगा और ये हो जाएगा थ्री वन टू तो ये ऑपरेशन यहां भी लगाना पड़ेगा जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो और जीरो वन जीरो तो सबसे पहला स्टेप क्या है इस एलिमेंट को वन बनाना है अगर ऑलरेडी वन दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब आपको क्या करना है ये जो प्रिंसिपल डायगनल है कोशिश क्या करनी है प्रिंसिपल डायगनल के नीचे ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये थ्री और ये टू सबसे पहले इसको जीरो बनाने की कोशिश करनी है क्या करना है आपको सबसे पहले ए वन वन को हमको वन बनाना है उसके बाद ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इन दोनों एलिमेंट्स को हमको क्या बनाना है इन दोनों एलिमेंट्स को हमको बनाना है जीरो और जैसे ही आप इन दोनों को जीरो बना देंगे तो आपका जो आगे के स्टेप्स है बहुत ईजी हो जाएंगे तो ये दोनों स्टेप्स को आपको याद रखना है कि हमको इस तरीके से अप्लाई करना है उसके बाद आपके स्टेप्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे अब इस थ्री को जीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस सारे ऑपरेशन वैलिड है जो लास्ट वीडियो में बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं और इससे इसको माइनस कर दूं तो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो यानी कि आर टू इज इक्वल टू थ्री आर वन हम कर लेते हैं और इसी के साथ साथ इस टू को जीरो बनाने के लिए इसको टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस टू आर वन ये दो ऑपरेशन लगा लेते हैं तो देखिए पहला आर वन वाली रो तो ऐसे रहेगी वन टू थ्री आर टू में हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं थ्री माइनस थ्री जीरो ये वन है माइनस इसको टू थ्री से मल्टीप्लाई करना है एक काम करते हैं तीनों को पहले थ्री से मल्टीप्लाई करके अलग से मैं लिख दे रहा हूं इनको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये थ्री हो गया ये सिक्स हो गया और ये नाइन हो गया आर वन में अब इसको आर टू से हम माइनस कर रहे हैं है। तो थ्री माइनस थ्री जीरो वन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस फाइव और टू माइनस नाइन कितना हो जाएगा माइनस सेवन थोड़ा स्टेप्स ध्यान से देखना है आपको और इसमें हम क्या कर रहे हैं इसको टू से मल्टीप्लाई करें इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू फोर सिक्स टू माइनस टू जीरो फोर माइनस सॉरी वन माइनस फोर माइनस थ्री और थ्री माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस का थ्री अब ये ऑपरेशन राइट साइड में भी लगाना पड़ेगा जीरो जीरो वन इंटू ए जीरो माइनस ये तो जीरो रहेगा ये वन रहेगा और जीरो माइनस थ्री तो माइनस थ्री हो गया ये वन रहेगा ये जीरो रहेगा और ये माइनस टू आ जाएगा तो देखिए जैसे ही हमने पहला ऑपरेशन लगाया तो आपकी आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स थी राइट साइड में वो हो चेंज होकर के दूसरी मैट्रिक्स बन चुकी है अब अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है इस एलिमेंट को वन बनाना है और उसके बाद इन दो, दोनों को जीरो बनाना है अब बड़ा इजी हो जाएगा इनको सॉल्व करना अब हम क्या करते हैं इसको पहले क्योंकि ये दोनों माइनस थ्री माइनस थ्री आ रहे हैं तो दोनों माइनस थ्री माइनस थ्री इसको आइडेंटिटी बनाना है ये ध्यान रखना है आपको लेफ्ट वाली जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाना है यानी कि इस मैट्रिक्स को वन जीरो गी जीरो जीरो वन जीरो 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 गी वन बनाना है तो वन तो ऑलरेडी आ गया जीरो जीरो पहला वाला कॉलम तो हमारा बन गया है अब इसको हम क्या करते हैं आर थ्री को माइनस थ्री से डिवाइड कर लेते हैं आर थ्री इज इक्वल टू माइनस वन थ्री आर थ्री यह ऑपरेशन भी वैलिड होता है वन टू थ्री जीरो माइनस फाइव माइनस सेवन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन माइनस थ्री इसको ये हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री ये जीरो और यह हो जाएगा प्लस का टू बाई थ्री इंटू ए इसको जीरो बनाना है तो आप देखिए अब हमको क्या करना होगा अगर मैं इस R3 को इससे ऑपरेट करूं तो होगा क्या अगर मैं इससे इसको ऑपरेट करूंगा तो फिर ये नॉन जीरो बन जाएगा तो अब आपको क्या करना है या तो इसको जीरो बनाना है लास्ट वाला एलिमेंट बन चाहिए वो तो ऑलरेडी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है सेकेंड रो आपको क्या बनानी है जीरो वन बन जीरो बनानी है तो ये माइनस फाइव को आपको वन बनाना है इसमें ऑपरेट करके तो मैं क्या करता हूं आर टू इज इक्वल टू आर टू प्लस अगर मैं सिक्स आर थ्री कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये तो जीरो रहेगा माइनस फाइव प्लस सिक्स कितना हो जाएगा प्लस वन प्लस वन की जरूरत है हमको माइनस सेवन प्लस सिक्स माइनस वन तो उसको बाद में चेंज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखिए आप वन टू थ्री ये जीरो रहेगा माइनस फाइव प्लस सिक्स वन माइनस सेवन प्लस सिक्स माइनस वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन तो इसमें देखिए आप जीरो इसको हमने सिक्स से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू आ जाएगा वन ये तो वन रहेगा और माइनस थ्री प्लस सिक्स इंटू दस कितना हो जाएगा फोर तो ये वन आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री जीरो टू बाई थ्री कुछ कुछ अब हमारे स्टेप्स मैच करते जा रहे हैं अब हम क्या करते हैं इसमें इसको ऐड कर लेंगे इसमें इसको ऐड करेंगे या इसमें इसको ऐड कर लेते हैं अगर मैं आर टू इज इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री कर दूं तो क्या बन जाएगा वन टू थ्री ये जीरो रहेगा वन प्लस वन टू हो गया और माइनस वन प्लस वन कितना हो गया जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन माइनस टू माइनस वन बाई थ्री इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम कितना हो जाएगा माइनस सेवन बाई थ्री वन प्लस जीरो वन वन प्लस टू बाई थ्री फाइव बाई थ्री थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखनी है इसमें जीरो टू बाई थ्री इंटू ए अब जो हमारा टारगेट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कन्वर्ट करना वन जीरो 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 इसको वन बनाना है तो उसको टू से डिवाइड कर लेते हैं इसको टू से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आर टू इज इक्वल टू या एक काम करते हैं पहले इसको वन जीरो जीरो बनाना तो डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं इससे पहले देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपका जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है वो वैलिड होने चाहिए <coughs> जरूरी नहीं है जो ऑपरेशन <coughs> मैं लगा रहा हूं वही ऑपरेशन आपको लगाने हैं ऑपरेशन आप कोई भी अपने तरीके से लगा सकते हैं बस आपको ट्रिक वो अप्लाई करनी कि इन दोनों को जीरो बनाना है उससे बड़ा ईजी हो जाएगा फिर तो आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू कर लेते हैं वन माइनस जीरो वन टू माइनस टू जीरो थ्री माइनस ज़ीरो थ्री जीरो टू जीरो जीरो वन वन जीरो माइनस माइनस सेवन बाई थ्री प्लस सेवन बाई थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन वन माइनस फाइव बाई थ्री कितना हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री माइनस सेवन बाई थ्री वन फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री जीरो टू बाई थ्री वन ज़ीरो इसको जीरो बनाना है इसको वन बनाना है और इसको जीरो बनाना है तो इससे क्योंकि देखिए आप इसको इस वाले एलिमेंट को हमको क्या करना है जीरो वन जीरो बनाना तो हम क्या करते है? R2 to, 2, R2 कर हैं आर टू इज इक्वल टू वन बाई टू आर टू कर लेते हैं वन जीरो थ्री ये टू से डिवाइड करेंगे तो जीरो वन जीरो हो जाएगा जीरो वन वन राइट साइड में सेवन बाई थ्री माइनस वन टू बाई थ्री इसको टू से डिवाइड कर रहे हैं हम माइनस सेवन बाई सिक्स वन बाई टू फाइव बाई सिक्स माइनस वन बाई थ्री जीरो टू बाई थ्री ऑलमोस्ट हम अपने रिजल्ट पे पहुंचने ही वाले इसको क्या बनाना है जीरो जीरो वन बनाना है तो इससे इसको माइनस कर लेते हैं आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर टू वन जीरो थ्री जीरो वन जीरो इससे इसको माइनस कर जीरो वन माइनस वन जीरो तो ये भी जीरो जीरो वन बन गया देखिए जीरो वन जीरो 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 वन बस इसको वन बनाना है अब हमको सॉरी जीरो बनाना है तो सेवन बाई थ्री माइनस वन टू बाई थ्री माइनस सेवन बाई सिक्स वन बाई टू फाइव बाई सिक्स देखो आर आर थ्री माइनस आर टू अगर हम कर रहे हैं तो आर थ्री का मतलब हो गया माइनस वन बाय थ्री और इससे हम सेवन बाई सिक्स ये प्लस का सेवन बाई सिक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस सेवन बाई सिक्स कितना हो जाएगा फाइव बाई सिक्स फिर जीरो माइनस वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू और टू बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स कितना हो जाएगा फोर माइनस फाइव बाई सिक्स यानी कि माइनस वन बाई सिक्स इसमें एक चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे जो टू बाई थ्री था ये नेगेटिव में था यहाँ से इसके बाद ये स्टेप चेक कर लीजिएगा सो माइनस साइन ये रह गया था तो अब आप देखिए जो मैंने आपको टारगेट बताया था हमको क्या करना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन बनाना है तो इस थ्री को जीरो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इससे इसको माइनस कर लेते हैं यानी कि आर वन इक्वल टू आर वन माइनस थ्री आर थ्री कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा लेफ्ट साइड में बन जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन और राइट साइड में सेवन बाई थ्री माइनस 15 बाय सिक्स इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा फोटीन माइनस फिफ्टीन बाई सिक्स यानी कि माइनस वन बाय सिक्स माइनस वन प्लस थ्री बाई टू कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई सिक्स फोर माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन बाय सिक्स और बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे रहेंगे माइनसिक्स वन बाई टू फाइव बाई मैंने आपको बताया जैसे ही आपको लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है उस केस में जो राइट right साइड में मैट्रिक्स आएगी वो गिवन मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा इनवर्स यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक चीज ध्यान रखनी है आपको आ, मैंने अभी आपको डिटर्मिनेंट नहीं बताया तो आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले उसकी सिंगुलरिटी या नॉन सिंगुलरिटी चेक करनी होती है उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनंट नॉन जीरो आता है क्योंकि डिटर्मिनेंट मैंने आपको नहीं बताया तो अभी मैं वो सिंगुलरिटी पर नहीं जा रहा हूँ सीधे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके हम चेक कर रहे हैं इसमें और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन इन्वर्स का आता है वो थ्री बाय थ्री का ही आता है आप टू बाई टू के भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो काफ़ी इजी हो जाते हैं तो आपको थ्री बाई थ्री के जो मैंने स्टेप्स बताए उस स्टेप्स को फॉलो करना है पहले ए वन वन को वन बनाना है उसके बाद उसके दोनों के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाना है उसके बाद आप जैसे आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस लगाएंगे तो आपको इन्वर्स मिल जाएगा आपको लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है जिस स्टेप में वो आइडेंटिटी मिल जाएगी जिस स्टेप में वो आइडेंटिटी बन जाएगी उस केस में जो राइट right साइड में मैट्रिक्स आएगी दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया रो ऑपरेशन का वैसे ही रो ऑपरेशन का यूज़ करके आपको इन्वर्स निकालना है आ, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को वन बाय वन वैसे ही सॉल्व करें जैसे आपको मैंने अभी एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया सब में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का ही आपको यूज़ करना है एक चीज़ आपको मैं बता दूं जैसे हमने ए इक्वल टू आई ए को सॉल्व करके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया और ये आइडेंटिटी बन गई उस केस में आई क्या बन जाएगा बी बन जाएगा या ए इन्वर्स बन जाएगा इनका मतलब है तो जब ये आइडेंटिटी बन जा रही है उस केस में हमने इसको ए का इन्वर्स इसको बोला था अब हम चेक कैसे करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं है तो उसके लिए भी वेरिफिकेशन के लिए आप देख लीजिए कि आपका जो ए दिया है और जो आपका ए इन्वर्स सॉल्व करके निकल के कर आएगा ए और ए इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं पहले बता रखा है मैंने मल्टीप्लाई करके अगर ये आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर सही आ रहा है अगर आपका जो इनवर्स है और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी नहीं बन रहा है इट मीन्स आपका आंसर वो सही नहीं है तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें